वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं एमबीए और एम फार्मा के बारे में। जनरली जब आपका जीपेट का रिज़ल्ट आता है तो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो कंटिन्यूस जो है स्टूडेंट के माइंड्स में रहती है। सबसे पहले कि उसे एम फॉर्म के लिए जाना है या एमबीए के लिए जाना है, या एक और ऑप्शन हो सकता है कि जॉब के लिए जाना है। नेक्स्ट, अगर वो स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है तो फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सिटीज़। और यूनिवर्सिटीज़ में भी स्पेशली आप दो तीन चीज़ें देखते हैं वहाँ पर, NRF रैंकिंग क्या है और सबसे मेन प्लेसमेंट क्या है। यूनिवर्सिटीज़ को लेके मैं बहुत सारे वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ और करता भी रहता हूँ मैं। लेकिन जब आप एम फार्मा और MBA में चूज़ करने को देखते हैं तो वहाँ पर जो भी कन्फ्यूज़न है या जो बेनिफिट्स हैं या जो डिसएडवांटेज है किसी को चूज़ करने के, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है और ये एक मस्ट वॉच वीडियो है सबके लिए, स्पेशली जिनका जीपेट क्वालिफाइड हुआ है, और नहीं भी हुआ है तब भी जो है आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं पर आपको हेल्प ही करेगा। जब आप MBA फार्मास्यूटिकल से बात करते हैं तो जनरल अगर हम ट्रेंड देखें, अगर मैं सीधा ही आपका जो पैकेज पे बात करूँ तो MBA जो जिन्होंने किया है फार्मास्यूटिकल से, उनका पैकेज जो है स्टार्टिंग में या बाद में, तो दोनों का ही एमफॉर्म से जिसने ज्वाइन किया या एमबीए से किया, दोनों का ही ग्रोथ ही होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग पैकेज है वो एमबीए वालों को जो है वो ज़्यादा मिलता है। और इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, वो इन पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन कुछ इसमें जो है दिक्कत भी है कि हर एक स्टूडेंट्स का जो है MBA में एडमिशन नहीं हो पाता, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स में। तो सबसे पहले बहुत कम सीटें हैं। आप कुछ कॉलेजेस देखेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, उनके नाम मैंने मेंशन किए, तो वहाँ पर आपको बहुत कम सीटें मिलती हैं इन कंपैरिजन टू एम फार्मा। लेकिन यहाँ पर जॉब्स ज़्यादा हैं और उनका जो हायर पैकेजेस है जो कि एम फार्मा से भी ज़्यादा है। आप एम फार्मा देखते हैं कि इसमें स्किल्स जो है उस पर फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा इतना ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखना है, आपको एनिमल हैंडलिंग सीखनी है, आपको एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर सीखना है। वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो लैब वर्क है वो आपका नहीं है। तो आपको दूसरे तरीके का लैब वर्क हो सकता है कि आपको डिजिटल जो चीज़ें हैं उनका यूज़ आना चाहिए, आपको एक्सेल पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, वो यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो इतना नहीं है। तो जॉब्स तो हैं, और सेकंड आप देखिए, और जॉब ज़्यादा होने का रीज़न एक और भी है। तो ये कोई भी कंपनी है तो उसका जो लास्ट स्टेज है वो आपकी सेल्स को लेके आती है, और इसी से ही आपका जो है वो कंपनी चलती है। चाहे वो कितना ही अच्छा प्रोडक्शन कर रही हो, कितनी बेटर उसकी मेडिसिन हो या कितना ही पेटेंट हो, जब तक उसके पास सेल्स नहीं आएंगी तो वो कंपनी रन नहीं कर सकती है। तो इसलिए जो है जॉब ज़्यादा रहती है, और कोई कॉम्प्लेक्स सिलेबस भी नहीं है। ये मैं एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, MBA जो जनरल MBA होता है और आपका MBA जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड होता है, तो उनका जो सिलेबस है वो कंपेयर मैंने किया हुआ है एक वीडियो में, आप देख लेना, मैं उसको आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और जनरली आप सिलेबस देखेंगे तो आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता कि आपको कॉमर्स साइड की तरफ जो है एक ही दम से मोड़ दिया जाता है, उसमें फार्मा का सिलेबस भी इंक्लूड होता है। सारी चीज़ें आपकी आती हैं, आपकी सूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपसे आती हैं कि मैनेजमेंट चैन कैसे बनती हैं, ईजी टू पास द एग्ज़ामिनेशन। जो भी आपका MBA में एग्ज़ाम्स होते हैं उनको, जो थियोटिकल एग्ज़ाम है यानी जो MBA के आपके जो चार सेमेस्टर रहेंगे उसमें, उनको पास करना ज़्यादा ईजी है इन कंपेरिजन टू एम फार्मा, क्योंकि सब कुछ थ्योरेटिकल है ऑलमोस्ट। आप अगर आपको बेसिक नॉलेज है या बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो एग्ज़ाम से आप कर सकते हैं। आगे जो पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप UGC नेट दे सकते हैं मैनेजमेंट से, और PhD और जो भी आप लेक्चरारशिप में करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं UGC नेट। प्रमोशन जो है इसमें फास्ट होता है क्योंकि इसमें इतना एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना स्किल नॉलेज जो है वो यहाँ पर रिक्वायर नहीं है, तो इसलिए जो प्रमोशन है वो यूजुअली फास्ट होता है, एक दो साल में आप अच्छी जगह पर पहुँच जाते हैं। एक जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपको एमफॉर्म में भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर भी चाहिए। कुछ वीडियोज़ को मैं अपलोड कर चुका हूँ इंस्टीट्यूट्स के बारे में या फिर जो आपका सिलेबस के बारे में, वो मैं बहुत वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कुछ अदर पॉइंट्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मैं उन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ से आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन जहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, तो वहाँ पर फार्मा MBA जो है वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में है इंडिया में, स्पेशली आप बात करें तो। और जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप
कंपेयर करने लगेंगे एम फार्मा और एमबीए की फ़ीस को, तो एमबीए की फ़ीस आपको हमेशा जो है ज़्यादा मिलेगी एम फार्मा से, तो एक ये भी रीज़न है। इसके बाद आप देखेंगे जो पोजीशंस हैं कि आपको एमबीए के बाद जनरली एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जो है पोजीशंस होती हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर मेंशन किया, इसके अलावा भी होते हैं। तो मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस होता है, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट है, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, परचेस मैनेजर है, ड्रग कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट की जगह कई बार आपको प्राइस भी लिखा हुआ मिल जाता है कई जगह, मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और कई बार आप देखेंगे आपको क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों में जो है आपको यहाँ पर जो है एक पोजीशंस में जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं या जो प्लेसमेंट होती है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको हेल्प करने वाले हैं आगे। पैकेज देखिए तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देखेंगे तो 3.5 से लैक पर एनम से आपका स्टार्ट है ही है, इससे ज़्यादा देखेंगे तो 8 से ज़्यादा तक का भी है, लेकिन ये पैकेज कम है अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल एमबीए से जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से है, उसके हिसाब से ये पैकेज कम है या मैं कहूँ ज़्यादा कम है, लेकिन आपका फार्मा फील्ड में अगर आप कंपेयर करेंगे एम फॉर्म के साथ तो ये पैकेज आपका बहुत अच्छा है। तो फ्रॉम 3.5 टू अप टू 8.5 तक जो है आपका हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मैंने मेंशन किया, जामिया है, डिप्सरू जिसे आप डिप्सार के नाम से भी जानते हैं, बिट्स है, एमिटी है, IIHMR है, नाइपर्स है, नीम्स है, LPU है, तो ये ऐसी आपकी इंस्टीट्यूट है जहाँ से प्लेसमेंट आपका अच्छा है, लेकिन आप देखेंगे फ़ीस आपको हर जगह आपको ज़्यादा मिलेगी, इसलिए जो पॉइंट है मैंने फ़ीस का वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपको जो फ़ीस है वो ज़्यादा मिलने वाली है। चैलेंजेस मेनली तो यही आते हैं कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल और जो है जो अपनी एक जगह बनाने के लिए, और इसके साथ साथ जो है आपको एक ही जो छोटा सा वो रहता है कि आपको MBA वाले जो जर्नल MBA वाले हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से होता नहीं है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें एम फार्मा में तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं, जनरली हम तो फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं लेकिन इसके अंदर भी आप IP देखते हैं, DRA देखते हैं, फिर आपका फार्मेसी प्रैक्टिस है, उसके बाद फार्माकोग्नोसी देखते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स देखते हैं, फाइटो आपका केमिस्ट्री देखते हैं, तो बहुत सारी आपकी फील्ड है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, और बहुत सारी आपकी, और इसमें टॉक्सिकोलॉजी भी आ जाता है, तो बहुत सारी आपके जो है स्पेशलाइजेशन में डिवाइड है, और हर एक का अपना अपना जो है फील्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूटिक्स वाले एक फील्ड में जा रहे हैं तो उसमें इकोलॉजी वाले नहीं जा पाएंगे, ऐसा कोई वो कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत आप देखेंगे कि जिन्होंने कोग्नोसी से किया है वो भी आपके फार्माकोविजिलेंस में है, जिन्होंने सूटिक्स से किया है वो भी हैं, और जो इकोलॉजी से है वो भी फार्माकोविजिलेंस में है, तो इस तरीके से ऐसा कोई एक कोई एक्सटेंट नहीं बना हुआ, कोई बॉर्डर लाइन नहीं बनी हुई है कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो हो सकता है। अब जो सैलरी है, इनिशियल सैलरी, वो आपकी स्ट्रीम और कैंपस पर डिपेंड करती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। रिक्वायर्ड टाइम टू गेट प्रमोट, क्योंकि यहाँ पर आपको स्किल्स चाहिए होती हैं, अगर आप किसी सिटिंग जॉब में भी हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा जो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, DRA में भी यहाँ पर रहता है, अगर वहाँ पर है तो आपको लोकल FDA या FDA का काम या डोजियर बनाने का काम ये आपको सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए थोड़ा प्रमोट होने में यहाँ पर टाइम लगता है। जॉब ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, QA है, QC है, R&D है, तो जॉब ऑप्शन बहुत हैं आपके पास यहाँ पे। DRA में आपका रेगुलेटरी का है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का है, बहुत सारे आपके यहाँ पर ऑप्शंस हो जाते हैं, कोविजिलेंस है, तो बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ जनरली बहुत सारे स्टूडेंट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम भी जो है वो ट्राई करते हैं, हालांकि चाहे वो आपका हायर स्टडीज़ में, लेकिन वो फिर भी ट्राई करते हैं। अगर हम इसके अलावा देखें तो इसके अलावा जो लोग आगे अपना PhD कंडक्ट करना चाहते हैं तो CSIR, ICMR, GATE, DBT, JNUEE शायद अब ये होता नहीं है, तो इसकी जगह अब आपका CU सेट होगा PhD में भी एडमिशन के लिए और PG में भी लिए, तो अब JNUEE शायद नहीं होगा और अब आपका CU CET होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये होगा, और इसके साथ साथ आप GPET भी वो तो आप दे ही सकते हैं, तो उसके बेस पे भी आपको है जो है आगे एडमिशन मिल जाता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का वो यही है कि आपका जो जनरली कुछ स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा दिक्कत रहती है,
कि आपको पहले से ही, आपको एम फार्मा में डिसाइड करने से पहले, एम फार्मा या एमबीए आप कुछ भी लगा लीजिए, आपको एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ डिसाइड कर लेना है कि आपको जो है प्लेसमेंट जो है वो कैंपस के ब्रांड वैल्यू से चाहिए, या फिर आप खुद की स्किल डेवलप करके उस पर आप रिलाई कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, या तो आपके पास कोई स्किल हो, आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो, या फिर आप जो है कैंपस की ब्रांड वैल्यू से जो है, या कैंपस में जो प्लेसमेंट हो रही है वहाँ से प्लेस हो रहे हैं, अगर आप स्किल डेवलप नहीं कर पाए हैं या आपके पास टाइम नहीं रहा, तो ये चीज़ आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको किस वे में अपने आप को डेवलप करना है इन 2 सालों में। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड जो पॉइंट है, ये मैं हमेशा एक बार पॉइंट आउट करता हूँ कि चाहे आप गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फ़ीस को लेकर देखते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फ़ीस कम दे भी लेंगे, लेकिन अगर आपको ग्रोथ आगे फ्यूचर में आपको कम मिल रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टाइम कंजम्पशन होगा वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से अपना सब डेवलप करेंगे। और यहाँ मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात उनके लिए कर रहा हूँ जो कि अच्छा प्लेसमेंट देती है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप फ़ीस के पीछे ना भागे, अगर आपको किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिल रहा है एडमिशन जहाँ पर प्लेसमेंट बेटर है इन कंपेरिजन किसी एवरेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो आपको मेरे हिसाब से प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको, अगर आपके पास जो स्किल वाला जो है वो चीज़ नहीं है, स्किल है तो आप कहीं पर भी चले जाएँ आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो आपको ये फ़ीस चाहे आपको थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़े, और जीपैट है तो आप कर भी सकते हैं थोड़ा, कि आपको स्कॉलरशिप आएगी तो बहुत कुछ आपका कवर अप हो सकता है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में कि आप जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे, वरना जो आपने फ़ीस कम दी है वो आपका वहाँ आगे जाकर आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर आपका अच्छे से स्टार्ट नहीं होता है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोई UPSC करना चाहता है, SSC करना चाहता है, या फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना चाहता है, जैसे रेलवे के, एम्स के, या जो हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे निकलते हैं, और मैं परमानेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप किसी गवर्नमेंट एवरेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है वो टाइम चाहिए स्पेशली अपनी एक अल्टरनेट चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो ये जो पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स मुझे लगता है कि आपको एडमिशन लेने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच लेने चाहिए, क्योंकि ये जो आपके 3 पॉइंट्स हैं आपको बहुत हेल्प भी कर सकते हैं और आपको बहुत हार्म भी कर सकते हैं आपके आने वाले टाइम में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस एंड द अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।